इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। लीग स्टेज में अब तक 56 मुकाबले खेले जा चुके हैं और सिर्फ 14 मैच ही शेष हैं। हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। आईपीएल 2023 में आज हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस और रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगी। इस मैच में अगर गुजरात टाइटंस जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी। वहीं मुंबई इंडियंस की जीत होती है तो वह राजस्थान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिलहाल गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट के साथ पहले और मुंबई इंडियंस 12 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 12 मैचों में 15 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी दो मैचों में से एक मैच जीतना है। वहीं अगर सीएसके की टीम दोनों मैच हार जाती है तो उसको दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम 11 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ पांचवें और आरसीबी 11 मैच में 10 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर है। इन दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी तीन तीन मैचों में जीत दर्ज करनी होगी। वैसे तो अभी ऑफिशियली कोई भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का टॉप फोर में पहुंचना नामुमकिन है। वहीं पंजाब किंग्स अगर अपने बाकी तीनों मैच जीत जाती है तो वह क्वालिफाई कर जाएगी।